नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं, जो 1 फरवरी 2022 को मनाई जा रही है। ऐसे में आइए जानते हैं मौनी अमावस्या पर क्या करें और क्या ना करें। मौनी अमावस्या को नहाकर तिल, तिल के लड्डू, तिल का तेल, आंवला, कपड़े आदि दान करें। इस दिन गरीबों, साधु महात्मा और ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और उन्हें कंबल आदि ऊनी कपड़ों का दान भी करें। इस दिन गुड़ में काला तिल मिलाकर लड्डू बनाएं और उसे लाल कपड़े में बांधकर दान दें। स्नान दान आदि के अलावा इस दिन पितृ श्राद्ध भी करना चाहिए। अमावस्या होने से स्त्रियों को सौभाग्य बढ़ाने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की पूजा करें और पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी करें। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन नर्मदा, गंगा, सिंधु, कावेरी सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान जरूर करें। अगर संभव ना हो तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान भी कर सकते हैं। अब जानते हैं मौनी अमावस्या के दिन क्या ना करें। आज नहाते समय और नहाने से पहले तक कुछ न बोलें, मौन रहें। घर में कलह का माहौल ना बनने दें, झगड़े और विवादों से बचे रहें, झूठ न बोलें और किसी को कड़वे वचन न कहें। शरीर पर तेल ना लगाएं, तेल मालिश ना करें। मौनी अमावस्या का व्रत रखने वाले लोग किसी तरह का श्रृंगार ना करें। स्त्री पुरुषों को संयम रखना चाहिए, अमावस्या पर शारीरिक संबंध ना बनाएं। सुबह देर तक ना सोएं और बिना नहाए भोजन ना करें। इस दिन शराब, मांस जैसी चीजों से दूर रहें। अमावस्या पर सुनसान जगहों पर ना जाएं, शमशान या कब्रिस्तान के आसपास से ना गुजरें। मौनी अमावस्या के दिन अगर आप मौन रखकर स्नान दान और तर्पण आदि करते हैं तो इससे आपके व्रत का फल दोगुना हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।